आज एक विशेष दिन है, स्वदेशी आंदोलन के बहुत बड़े प्रवर्तक, उसके लिए जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, देश में पहला स्वदेशी बैंक जिन्होंने खोला, ऐसे लाला लाजपत राय जी का आज उनकी का जन्मदिन है, उनकी जयंती, हम उनको वंदन अभिनंदन करते हैं। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया और उसके लिए सीने पर लाठियां खाई, अपनी शहादत और अपने अपना बलिदान कुर्बानी दी। आज़ादी के आंदोलन के बहुत बड़े योद्धा थे लाला लाजपत राय जी। महर्षि दयानंद के अनन्य उपासक थे, वेद धर्म के उद्गाता थे और भारत माता को अपनी आराध्या मान करके एक एक श्वास देश के लिए जिया और स्वदेशी के आंदोलन को बहुत ऊंचे स्वर दिए। लाला लाजपत राय जी और जो है महात्मा हंसराज जी ने डीएवी का बहुत बड़ा विस्तार किया। आज पूरे देश में सरकारी शिक्षा तंत्र के बाद में यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में और सात्विकता के साथ कोई शिक्षा तंत्र चल रहा है जिसमें हमारे पूर्वजों की सात्विक परंपरा का भी समावेश है, कम से कम सप्ताह में एक दिन वहां पर हवन होता है, बच्चों को अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास भी पढ़ाया जाता है, ऐसे उस डीएवी में आज भी लाखों बच्चे अपना जीवन संवार रहे हैं और अभी तक करोड़ों बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का काम डीएवी ने किया और उसमें बहुत बड़ी भूमिका लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज जी। और अब तक वह गौरवशाली परंपरा पूरी यशस्विता के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे स्वदेशी के उद्गाता और भारत माता के उपासक, राष्ट्र धर्म को सबसे बड़ा धर्म मान करके जीवन जीने वाले हमारे लाला लाजपत राय जी की जयंती पर उनको हम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं।